आज का वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिले में कैसे होलसेलर को ढूंढना है, आज ये चीज ढूंढनी है कि होलसेलर कौन है और रिटेलर कौन है और कैसे है जो उनको आप समझोगे, कैसे उनसे माल लोगे, कैसे आपको इस चीज को समझना है। बहुत से लोग यहीं मार खा जाते हैं दोस्तों कि जो वो डिस्ट्रीब्यूटर से माल न लेके वो रिटेलर से माल लेते हैं, होलसेलर से माल न लेके वो ऐसे रिटेलर से लेते हैं, तो उनको जो भी चीज होती है वो महंगी पड़ती है। आप यदि बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो को जरूर देखना। कंप्लीट मैं आपको स्टार्टअप बताने वाला हूं कि भाई साहब कैसे आपको होलसेलर को ढूंढना है, कैसे आपको उससे माल लेना है, क्या क्या चीजें आपको उसकी चेक करनी है, उसके बाद आपको माल लेना है, ये सब चीज मैं आपको बारीक बारीक समझाने वाला हूं। यदि आप लोग बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो 100% श्योर दोस्तों, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, मेरी खुद की पर्सनली 2 दुकानें चल रही हैं, दोनों ही दुकानों को अच्छे से मैं रन कर रहा हूं। आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि मैं खुद जिस फील्ड में हूं और अच्छे से कमा रहा हूं, तो आप लोग भी अपना खुद का स्टार्टअप करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। यदि आपने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को होलसेलर के साथ में जुड़ के बिजनेस करना है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप लोग होलसेलर के साथ में डील करेंगे, होलसेलर को कैसे ढूंढना है और कैसे उनके साथ में जो अपनी मीटिंग करके कैसे अपॉइंटमेंट लेके आपको फिक्स करना है, कैसे माल लेना है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कैसे आप माल लोगे कम प्राइस के अंदर, यही बड़ी बात है, और कैसे उसको सेलिंग करना है ये भी कंसेप्ट थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है, राजस्थान के छोटे से राजमंड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और पिछले कुछ दिनों से आप सभी साथियों को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हेल्प कर रहा हूं कि दोस्तों आप लोग भी कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस में आके अच्छा पैसा बना सकते हो। और इसके साथ में मैं खुद बिजनेसमैन हूं, मेरे खुद की पर्सनली 2 दुकानें चल रही हैं, इसके साथ में मैं फोटोग्राफर, आउटडोर फोटोग्राफर हूं, इसके साथ में मेरे जो 2 ठेले चल रहे हैं, बहुत सी अर्निंग सोर्स है मेरे पास, मैं अर्निंग कर रहा हूं, यही चीज़ मैं आपके साथ कह रहा हूँ दोस्तों। आप भी बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो और सीधा ही आप माल लेके सेलिंग करना चाहते हो, तब भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि दोस्तों आप लोग किसी होलसेलर के साथ में जुड़ के पैसा बना सकते हो। ये सबसे बड़ा जो कमेंट आता है दोस्तों कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को होलसेलर कहाँ मिलना है, होलसेलर को कैसे पहचाने, कैसे जो उससे हम माल लें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि होलसेलर को कैसे आपको ढूंढना है, जहाँ पे आप जहाँ रहते हो ना उस इलाके में आपको कैसे होलसेलर को ढूंढना है, ये चीज़ सबसे पहले समझना। आपके अभी क्या कि मार्केट में और सभी दुकानों में सब लगभग जो होलसेलर ही डील करने आते हैं, होलसेलर ही वो देने आते हैं आपको, जैसे जो भी आपको दुकान खोलनी है, जैसे आपने सोचा कि कपड़े की दुकान खोलनी है, मेरे को किराना की दुकान खोलनी है या कुछ भी दुकान खोल रही है, तो आपको होलसेलर को ढूंढने के लिए सबसे पहले अपने मार्केट में ये चीज़ देख लेना कि भाई साहब कौन सा होलसेलर आ रहा है सप्लाई करने के लिए, उसके साथ आपको डील कर दे। जब उसके साथ वो जो बैठ जाए और वो बोले कि भाई साहब मेरे से आप माल ले सकते हो इतने प्राइस में, तो आपको उससे ना लेके दूसरे और ऐसे होलसेलर को ढूंढना है जो अच्छे से आपको दोनों की रेटों को कंप्रोमाइज करके आपको चेक कर देना है। ये कंप्रोमाइज चेक करने के बाद आपको होलसेलर के जहां पे उसका वेयर हाउस है, गोदाम है, वहां पे आपको जाना है। वहां पे जाने के बाद जो भी चीजें देखनी है वो आपको देखनी है कि क्वालिटी कितना दम है, कितना क्या है, प्राइस कितना है, मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ आपको चेक कर देनी है। इसके बाद में होलसेलर की देखना कि होलसेलर सबसे पहली चीज़ की जो वो होलसेलर एक ही चीज़ बेचता है, जैसे कि जो कुछ कपड़ों में होता है तो वो जींस वगैरह है, टी शर्ट वगैरह है, ये चीज़ें तो वो एक ही चीज़ पे पकड़ रहेगा, वो ऐसे नहीं कि जो कुछ कूलर पंखे टैबलेट ऐसा सब रखने रहेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यदि वो है तो रिटेलर है, समझ देना ये चीज़ आप नोट डाउन करना कि भाई साहब यदि वो अलग अलग प्रकार के जो आइटम बेच रहा है तो वो रिटेलर है, वो कोई है जो होलसेलर नहीं है, समझ गए। इसके बाद में होलसेलर के पास में जो हमेशा GST नंबर होता है, GST नंबर से आप पता कर सकते हो कि भाई साहब GST नंबर के माध्यम से भी वो होलसेलर है या नहीं है, ठीक है। ये GST नंबर चेक कैसे चेक की जाती है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, GST नंबर पर जो डालोगे उसका जो भी GST नंबर और चेक कर सकते हो। इसके बाद में आपको दूसरा ऑप्शन है कि भाई साहब यदि उसके पास में GST नंबर है तो उसमें पता चल जाएगा आपके ये जो होलसेलर है या नहीं। दूसरी चीज़, होलसेलर के पास में हमेशा यानी जो भी चीज़ होती है, जैसे जो 100 रुपये के मार्केट में वैल्यू है, 100 रुपये की चीज़ मार्केट में आपको कस्टमर के थ्रू मिल रही है, तो वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं 40 रुपये 35 रुपये 40 रुपये 35 रुपये के बीच में आपको मिलेगी। 100 रुपये की चीज़ होलसेलर के माध्यम से आपको 30-35 रुपये में मिलेगी, और वो भी आपको गारंटेड और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। वो यदि गारंटेड और अच्छी क्वालिटी की आपको नहीं बोल रहा है तो आप समझ लेना कि वो रिटेलर है ये चीज़, क्योंकि जो होलसेलर होता है उसको इस चीज़ का पता होता है कि भाई साहब जो भी मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, जो भी मेरे पास कस्टमर आ रहा है, उसको कैसे पकड़ के रखना है, वो पकड़ के कैसे रखेगा, अच्छी क्वालिटी देगा तभी वो आपको पकड़ रखेगा और अच्छे से आपके साथ डील कर पाएगा, समझ गए। और जो भी होलसेलर होता है वो डिस्काउंट की बात नहीं करता है, समझ देना इस चीज़ को, डिस्काउंट की बात नहीं करता है, कभी भी रेट अपनी नहीं तोड़ता है। यदि उसने बताया कि 35 रुपये 40 रुपये तो फिक्स रेट है, आप यदि जो कम भी करने की करोगे तो वो जो आपको 0.50 रुपये या 1 रुपये आपको कम कर सकता है, इससे कम नहीं करेगा दोस्तों, सच बता रहा हूँ, यही चीज़ होती है होलसेलर की।
आप लोग ऐसे होलसेलर को ढूंढ सकते हो। अब दूसरा जो ऑप्शन है कि भाई साहब कैसे आप होलसेलर को ढूंढ सकते हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ढूंढने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना कि भाई साहब आपके जो भी स्टेट में है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में, जो आप नाम लिखोगे, जैसे कि होलसेलर जो भी आपको चाहिए वो आपको दुकान का नाम है, जैसे कि जो किराना का चाहिए तो किराना का, और किसके लिए चाहिए यानी जहां पे आप जो स्टेट है, जो भी आपका जिला है, वो आप डाल सकते हो, जिससे आपके सर्च करते ही वो आपको होलसेलर मिल जाएगा, वहां पे उसके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, यदि वो भी नहीं हो रहा है तो आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको होलसेलर की डिटेल्स मिल जाएगी, अच्छे अच्छे होलसेलर आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे दोस्तों। सी ये बात है, पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा दोस्तों कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हो तो सबसे पहले मुलाकात करो, मीटिंग अटैच करो, सीधी बात करो, कॉन्फ्रेंस करो, फिर आप बात करना जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है, जो भी पेमेंट की बात है, जो भी चीज़ें हैं, फिर बात की बातें हैं। तो दोस्तों ये है तरीका आप होलसेलर के साथ में कैसे डील कर सकते हो, कैसे होलसेलर को ढूंढ सकते हो, कैसे होलसेलर को पहचान सकते हो। इसके बाद में सेलिंग की बात है तो सेलिंग आप आराम से कर सकते हो, यदि आपको वहाँ पे कम प्राइस में मिल रहा है तो आप मार्केट में यदि जो 60-70 पर भी सेल करोगे तब भी आपका कोई नुकसान नहीं है, समझ गए। 35 रुपये की कोई चीज़ है और 100 रुपये में मार्केट में वैल्यू है तो आप 70-80-90 रुपए तक भी सेल करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, समझ गए। और होलसेलर के साथ में ही डील करके आपको सेलिंग करना है तो आप जिस होलसेलर के साथ में आप काम करना चाह रहे हो आप उस होलसेलर के साथ में आपको 6-5 महीने उसके साथ में डील यानी उसके साथ काम करना है। काम करने के बाद जब उसको ट्रस्ट हो जाता है, भरोसा हो जाता है, तो उस होलसेलर के थ्रू ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिले में आप वहां से माल लेके सेल कर सकते हो। जैसे ही उसका सेल करोगे, जितनी सेलिंग कराओगे तो जो भी आपको कमीशन होगा, कमीशन के माध्यम से आपको पैसा होलसेलर ही आपको दे देगा, समझ गए। तो ये है तरीका, आप जितने जो ज़्यादा जो सेल करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो यही तरीका आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप होलसेलर इस तरीके से ढूंढ सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियोस तो वीडियो को लाइक कर देना, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत जय हिंद, वंदे मातरम।